क्वेश्चन 37 केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ ए सोसाइटी पुट अप 3 poles ए बी एंड सी। उसने 3 poles लगाए हैं ए बी एंड सी पर इन अ सोसाइटी पार्क। डेस्पाइट दीज 3 poles सम पार्ट ऑफ द पार्क आर स्टिल इन डार्क। सो RWA डिसाइड्स टू हैव 1 more इलेक्ट्रिक पोल इन द पार्क। इस पार्क में वो 1 pole और लगाना चाहती है, बट वो इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। देखो यहां ये कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है, दिस इज 1 2 3 4। तो वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। हम सभी के लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा देखिए, एक्स 1 है और वाई है 5, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 5। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा देखिए, एक्स है 4 और वाई है 9, तो बी के कोऑर्डिनेट्स 4, 9। सी के क्या हो जाएंगे, 7, 4। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो वो हो गए 7, 4। यहां पर आ गया, सिंपल है। यहां होता तो 3, 3 ऐसे देख लेते हैं। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द ओ ऑफ द पार्क। दिस पॉइंट इज 0, 0। डिस्टेंस ऑफ बी, बी मतलब 4, 9 फ्रॉम ओ, दैट मींस 0, 0। यहां से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल देंगे, ओ बी इज इक्वल टू 0 - 4 का स्क्वेयर प्लस 0 - 9 का स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 का स्क्वेयर 16, दिस इज 81। 9 का स्क्वेयर 81, 6 और 1 7 एंड 8 और 1 हो गया 9, √97 यूनिट्स। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब इसका थर्ड का ए वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल डी सो दैट ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। मतलब हमें जो डी कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से लेना है। देखो यहां सी है एंड दिस इज मान लो डी होगा, यहां पर ए बी सी और डी। डी हम यहां ले रहे हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। ए के हैं 1, 5, बी के हैं 4, 9 एंड सी के हैं 7, 4। वो कह रहा है डी को आप इस तरीके से ले लो कि ये पैरेललोग्राम बना दे। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब मान लो यदि वो ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ए सी से जो मिड पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएंगे बी डी से जो कोऑर्डिनेट आएगा उसके कोऑर्डिनेट, और फिर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप बोलेंगे ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। एंड लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो हैं हमने वो x, y मान लिए, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल देंगे बिकॉज दिस ओ इज मिड पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वो क्या हो जाएंगे जरा देखिए, x+4/2, y+9/2। यही तो फॉर्मूला होता है, x1+x2/2, y1+y2/2। एक हम यहां से भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, डी के नहीं ओ के। देखिए जरा 7+1/2 एंड 4+5/2, दिस इज ये आ गया 7+1/2 इज 4 एंड दिस इज 9/2। सिंस ये दोनों जो है वो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं सो बोथ इक्वल होंगे। सो विच इंप्लाइज दैट
एक्स प्लस फोर बाई टू अपॉन वाई प्लस नाइन बाई टू जो है वो बराबर होगा 4.9 बाई टू के। तो एक्स प्लस फोर बाई टू इज इक्वल टू 4, इसको इधर ले गए, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 4। यहां पे वाई प्लस नाइन बाई टू इज इक्वल टू 9 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 यानी कि 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आ गए 4.0। तो केवल बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो बात बन जाएगी। इसके b वाला पार्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स a एंड c। तो डिस्टेंस बिटवीन ए, ए जो कि है हमारा 1.5 एंड सी, सी जो कि है हमारा 7.4। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालेंगे, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज रूट 37 यूनिट्स। तो जो AC डिस्टेंस है वो रूट 37 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगी।